कर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया था। इन लोगों के इंडिविजुअल केसेस को केरला के अंदर ये जो आईसीस और कन्वर्जन वाला इशू है, इसमें ये भी कहा जाता है कि सिर्फ तीन ही तो केस हैं इतनी बड़ी आबादी में। देखिए एक्चुअल कितने केस हैं, वो डेटा हमारी एजेंसीज के पास है और वो पब्लिक है, वो सारा डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको कहना कि ये सिर्फ तीन ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल्स होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसीएस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। सिर्फ एक ही तो केस है ये कहना बहुत ही गलत बात है, जबकि एक केस नहीं है, एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाएगा। जो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट। हाय एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दिस राजपूत is an Indian YouTuber who makes informative videos on trending topics on his YouTube channel. While he has been active from 2020, it was in 2021 that his channel started gaining attraction, as per his LinkedIn profile, he is the director and founder of Vinega Infosystem Private Limited. Early life: Rajput was born in the city of Sultanpur. As per media reports, he made great innovations in his family's ISP business, which earned him great success. Now, 4 October 1989, Sultanpur, Uttar Pradesh, India. Rashtriyata, Indian. Parai, Bachelor of Technology. पेशा यूट्यूबर, सामाजिक मीडिया प्रभावकार और लेखक। समय में अपने चैनल पर 4.1 मिलियन ग्राहक प्राप्त किया। आर्यन खान मामला, उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना, सिंह मामला और विशेष रूप से जैकलिन फर्नांडेज मामले पर उनके वीडियो को 50 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। 2023 में नीतीश राजपूत को रेड एफएम 93.5 पर अतिथि फोन लिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्हें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा अतिथि वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। वह इनविंसिबल फेस्टिवल 2022 गुड़गांव में आमंत्रित अतिथि वक्ता भी थे। ठीक है, अगर आप उसकी प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या फिर उसकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ के करीब है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने एनवायरनमेंट यूज़ किया है, इतना सारा रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अब आपका फर्ज बनता है, इतना आपने प्रॉफिट बनाया, आप कुछ दो सोसाइटी को भी दो, तो आप एनजीओ में डोनेट करो, तो 2% सीएसआर फंड के रूप में देना होता है कंपनियों को। तो वो कंपनियाँ क्या करती हैं, 2% कहने में बड़ा छोटा लग रहा है, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बात होती है, वो क्या करती हैं, इधर एनजीओ को दे रही हैं कि भाई मैं ये ले 1,000 करोड़ पकड़, इसमें से 1 करोड़ हमें तू अपना रख और ये मुझे बैक दो। नीतीश राजपूत। Vinega Infosystem Private Limited is run by Nitish Rajput, which was in
uprooted on 26th October 2021 as per Super Corp. He is the founder and director of the company, which provides various IT services like mobile app development, IT consulting, web development, staff augmentation, web development, digital marketing and etc. Nitish Rajput job history. Nitish worked for Ericsson company in 2015 as per his LinkedIn profile. Nitish Rajput worked in the United Software Group Inc. on a manager or a similar role in 2016. Later he worked for Vastika, an IT company, in the year 2017. He then moved to USG again in 2018 and worked there. Why people watch Nitish Rajput YouTube videos? On initial observation, it is found that Nitish Rajput tends to make elaborate videos on trending topics with lots of information. Cited from credible sources, prima facie appears that Rajput tends to keep a neutral stance and presents both sides of the story. आई एम श्योर ऐसी जो वीडियोज है इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, इतनी ज्यादा सेंसिटिव, तो आपको डर नहीं लगता है कि कल को आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस हो जाए, कोई सिविल केस हो जाए? यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी उठ के, चाइना नहीं है, कोई भी उठ के अपनी बात रख सकता है। इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है। आप लगता है, मुझे पहले लगता था कि इस पे बात करूंगा तो कैसा रहेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पॉलिटिशियंस भी ना मेरे को बुक बेस्ड है कि आपने वाली उसमें गलत बोला था, ये वाला पॉइंट तो आपने छोड़ दिया, अलग अलग बुक बेस्ड है, जबकि उनके खिलाफ ही वीडियो बनी रहती है, वो भी बहुत प्रोफेशनल हो गए। और मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, जैसे मेरा दोस्त है तो वो लॉयर है, उसको भी एक बार दिखा लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। अभी इतना पता चल गया है कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ हटानी है, और जब मेरा ओपिनियन रहेगा तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर मैं कोई रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, वो उठा के बता रहा हूँ। आप देखोगे जैसे मेरी वीडियो चल रही होती है, कहाँ से मैं उठा उठा के बोल रहा हूँ वो मैं बताता रहा। और अगर कभी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं घर पे बात करता हूँ तब लगता है कि हाँ खतरनाक चीज़ है, बाकी तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता।